Thank you so much for clicking on this video, guys. Mera naam hai Sameer Meena and welcome in my channel again. Jiska naam hai Impressive English by Sameer Sir. Guys, learn English for the real world here. Video agar pasand aaye to like aapko zarur karna hai. Aaj hum is video mein baat karne wale hain fir se kuch phrases ki jo bade interesting phrases hain jiski English kuch aur hai and Hindi kuch aur hai. Like sleep on. सोना नहीं होता है कुछ और ही होता है लास्ट तक वीडियो देखिए लाइक करना है शेयर करना है डू कमेंट प्लीज चलिए शुरू दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आ जाए तो लाइक करना है कमेंट करना है और शेयर करना है ऑलराइट ये वेबसाइट पे जाके जरूर देखना है कि क्या मिल पाता है इस पर हमारे लिए तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में गाइस पहला फ्रेज क्या है इन द ब्लैक In the black मतलब काले में नहीं होता है alright look it means the business is making money it's profitable in the black का मतलब होता है बहुत अच्छा होना business में देखिए our business is really improving we have been in the black all the year यानी कि business बहुत अच्छा कर रहा है और हम profit में हैं alright दूसरा phrase जो है in the black का उल्टा in the red इसका मतलब होता है पैसों की तंगी आना business में especially अगर business अच्छा नहीं चल रहा है in the red देखिए business is going poorly these days we have been in the red for the next या फिर for the past 3 months यानी कि पिछले 3 महीनों से तो बैंड बजी पड़ी है भाई साहब business की बहुत ही नुकसान हो रहा है alright guys दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूं और आपको और इस वीडियो में फिर से मैं बोल रहा हूं कीप डूइंग द प्रैक्टिस दीज थिंग विच यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम अनदर वीडियो बिकॉज सीखना ही मैटर नहीं है हमें हमारा एक्चुअली एम जो है वो है इंग्लिश बोलना तो जो सीखते जा रहे हो वो आपको बोलते चलना है तो थर्ड फ्रेज जो है वो है इन द नेक ऑफ टाइम यानी कि बस आखिरी समय में देखिए नॉट टू लेट बट वेरी क्लोज एग्जाम्पल देखिए I go to the drugstore just in the nick of time. It's a good thing because I really need this medicine. भाई साहब बंद ही होने वाला था medical और मैं पहुंच गया मुझे बहुत ही जरूरत थी medical की अच्छा हुआ बंद नहीं हुआ होने ही वाला था यानी कि in the nick of time में मैं वहां पर पहुंचा दोस्तों जो चौथा phrase है वो है keep one's chin up. Chin मतलब होता है क्या ये जो होती है nose के नीचे दड्डी जिसे बोलते हैं हिंदी राइट बाकी देखते हैं Keep one's chin up, यानी कि remain brave and keep on trying, यानी कि बने रहना और कोशिश करते रहना चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए Example देखिए I know things have been difficult for you recently, but keep your chin up, it will get better soon. Alright, मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे ये भी पता है कि चीज़ें अभी बुरी चल रही वक्त बुरा चल रहा है But believe me, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है गाइस फिफ्थ फ्रेज जो है वो है नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड यानी कि किसी के भी बारे में किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानना हमारे दोस्तों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हमारे सामने मीन्स नो समथिंग वेरी वेरी वेल एग्जाम्पल आई नो यू लाइक द बैक ऑफ माई हैंड बेटा बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं देखो ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं आई नो यू लाइक द बैक ऑफ माई हैंड किसी के भी बारे में बहुत बहुत अच्छे से जानना जैसे कि आई नो अमेरिका लाइक द बैक ऑफ माई हैंड गाइस जो अगला फ्रेज है वो है शार्प यानी कि एग्जैक्टली एट अ टाइम गाइस थोड़ा सा शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया है एट के बाद आ लगा है बट जस्ट लेट इट बी गॉन ऑलराइट एग्जांपल आई विल मीट यू एट 9 o'clock शार्प If you are late, we will be in trouble. भाई साहब 9 बजे मिल जाऊंगा करेक्ट आना ही है एट द टाइम अगर लेट हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो शार्प मतलब होता है एट द टाइम नेक्स्ट फ्रेज है स्लीप ऑन क्या लगता है किसी चीज के ऊपर सोना नो नॉट एट ऑल गाइस स्लीप ऑन का मतलब देखिए आप थिंक अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेने से पहले बार बार सोच लेना जैसे बोलते हैं भाई साहब कुछ भी करने से पहले सोच लेना स्लीप ऑन एग्जाम्पल देखते हैं यू नो दैट साउंड्स लाइक अ गुड डील बट आई वुड लाइक टू स्लीप ऑन इट बिफोर आई गिव यू माई फाइनल डिसीजन देखिए सुनकर अच्छा लगा पर एक बार मैं सोचना पसंद करूँगा आपको फाइनल डिसीजन देने से पहले आई वुड लाइक टू स्लीप ऑन यानी कि मैं ऊपर सोऊंगा नहीं आई वुड लाइक टू स्लीप ऑन take it easy, alright. Eighth जो phrase है guys वो है take it easy means इसका मतलब होता है relax,
रिलैक्स, टेक इट ईजी तब बोला जाता है जब आपको बोलना हो रिलैक्स, आराम से. एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव स्पेशल प्लान्स फॉर द समर, आई थिंक आई विल जस्ट टेक इट ईजी. यार देखो मेरे पास कोई स्पेशल प्लान नहीं है, मुझे लगता है इस समर में मुझे तो यू नो आराम करना चाहिए. आई टेक इट ईजी, आई थिंक आई टेक इट ईजी, मुझे लगता है कि मुझे जस्ट आराम करना चाहिए. आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स. ऑलराइट गाइस, अगेन नाइन्थ नंबर का जो फ्रेज है वो है टू गेट द बॉल रोलिंग, मीन्स स्टार्ट समथिंग स्पेशली समथिंग बिग, किसी चीज को फिर से शुरू करना और स्पेशली किसी बड़े काम को. एग्जाम्पल, वी नीड टू गेट दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, आई एम होपिंग यू विल हेल्प मी गेट द बॉल रोलिंग. यार मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करोगे इसको फिर से शुरू करने में. राइट, सो गेट द बॉल रोलिंग यानी कि बॉल को घुमाना नहीं है. राइट, हिंदी पे ना जाए, सेंस पे जाए जो कि मैं बता रहा हूँ. कीप डूइंग द प्रैक्टिस प्लीज. सो गाइस ऑलराइट, जो अगला फ्रेज है और लास्ट है वो क्या है, अप टू द मिनट. देखिए अप टू द मिनट का मतलब है द मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि पल पल की जानकारी. एग्जाम्पल देखिए आप, आई विश आई न्यू मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द व्हाट इज दिस कैपिटल सिटी बिकॉज वी नीड मोर अप टू द मिनट न्यूज़. उम्मीद है मुझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे काश ये भी पता होता कि क्या चल रहा है, पर मुझे पल पल की जानकारी मुझे वहाँ की पता होती कि कैपिटल सिटी में क्या चल रहा है. ऑलराइट, तो ये था लास्ट फ्रेज एंड एट द लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. ऑलराइट, सी यू अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.